एक बार फिर तहसील मेढर के सब जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की जान जा सकती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मरीज जिसको अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन शुरू किया, मगर जब मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो मौके पर ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑपरेशन के बीच में ही मरीज को कट किए गए अवस्था में वहां से जिला अस्पताल पुंछ रेफर किया गया। पुंछ पहुंचने पर भी मरीज को सुविधा नहीं मिली, वे वहां पर 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार करता रहा। सर, रात को इसको पेन हुई थी थोड़ी पेट में, तो वहां से हम इसको हॉस्पिटल में लेके गए, तो जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है इसको, तो इसका ऑपरेशन होगा। तो सुबह उन्हें तकरीबन 9 बजे ऑपरेशन शुरू किया इसका, तो ऑपरेशन के दौरान ही उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब इसको यहाँ से पेशेंट को पूंछ लेके जाना पड़ेगा। तो फिर कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी, सर्जन भी, और साथ में उनकी पूरी टीम जो है अपनी एम्बुलेंस लेके यहाँ पूंछ में, पूंछ हॉस्पिटल में आए, तो यहाँ पे ये डॉक्टर भी साथ में थे और इनने मिल के ऑपरेशन किया अभी। सर, मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मेंढर से अगर किसी पेशेंट को यहाँ पूंछ लाने में हमें इतनी प्रॉब्लम्स हुई, जबकि हमारे पास कुछ सोर्सेस भी थे, ऐसे सोर्सेस होने के बावजूद अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो एक गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा। तो वहाँ मेंढर में किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर ऑपरेशन के दौरान किसी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से ले कर किसी दूसरे में लेके जाते तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ऑपरेशन थिएटर में थे अंदर, तो वहाँ से इन्हें कुछ स्टिच वगैरह लगाए और साथ में आए, पूरी टीम साथ में आई, तो फिर यहाँ दोबारा फिर इन्हें ऑपरेशन किया है।